नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं संतोष चौधरी। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार के परिणाम स्वरूप दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि महत्वपूर्ण कदम में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों के बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ उत्तर शांति लाने के इस फैसले के बाद कई समझौतों के बाद बेहतर सुरक्षा स्थिति व तेजी से विकास का परिणाम सामने नजर आएंगे। और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के तीनों प्रदेश असम, मणिपुर और नागालैंड में अफस्पा का दायरा घटाया गया है। यह एक ऐतिहासिक दिन है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि असम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर, यह पूरा क्षेत्र अशांत क्षेत्र था। यह अब क्षेत्र केवल 31,724.94 वर्ग किलोमीटर तक ही सीमित है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कम होने का मतलब है कि शांति बहाल हो गई और नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर चल पड़ा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमर ने शिलोंग में इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह काफी समय से लंबित था। उन्होंने कहा कि हमेशा से चाहते थे कि इसे वापस लिया जाए। इस साल मार्च से जुलाई के बीच राज्यसभा से रिटायर हो रहे 19 राज्यों के 65 सांसदों सहित कुल 72 सांसदों को आज राज्यसभा में विदाई दी गई। रिटायर होने वाले सांसदों में 7 नामांकित सदस्य भी हैं। राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ फोटो खिंचवाई। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 2 साल में संविधान के मुताबिक 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे राज्यसभा की निरंतरता बनी रहती है और नए विचार सदन के सामने पहुंच पाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को उनके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा से सेवानिवृत्त का सांसदों का गुजराती में अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत भावुक एवं संवेदनशील पल है। पीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव के विषय में बोलते हुए कहा है कि हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेदारी हमारी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज जो साथी यहां से विदाई लेने वाले हैं, उनसे हमने जो सीखा है उसे आगे बढ़ाने में हम जरूर उपयोग करेंगे ताकि देश की समृद्धि हो। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में भारत की विविधता में एकता का समावेश देखने को मिलता है। इस कड़ी में अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपर हाउस का बहुत महत्व है, ये चैंबर ऑफ आइडिया है, हर फील्ड में काम करने वाले लोग यहां बैठे हैं। हम 19 राज्य के 72 सदस्यों को विदाई दे रहे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य हैं। कांग्रेस के एके एंटोनी, अंबिका सोनी जैसे सांसद भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन्होंने राज्यसभा में अपने 5 कार्यकाल पूरे किए। इनमें से 45 ऐसे सांसद हैं जो पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे। 84 वर्षीय एसआर बाला सुब्रमण्यम ने सदन की सभी बैठकों में भाग लेकर शानदार दायित्व का निर्वहन किया। रिटायर हो रहे सदस्यों में सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा, एके एंटोनी, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, एमसी मैरीकॉम और स्वप्नदास गुप्ता शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु, एमजे अकबर, जयराम रमेश, विवेक तनखावी, विजय साई रेड्डी का कार्यकाल जून में खत्म होगा। जुलाई में रिटायर होने वाले सदस्यों में पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सतीश चंद मिश्रा, संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल और केजे अल्फोंस शामिल है। कुछ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं को फिर से नामित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के कुछ सदस्यों को पुनः नामित किए जाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनमें से कई सदस्य G23 में शामिल हैं, जो पार्टी नेतृत्व की आलोचना करते रहे हैं।
गुरुवार को लोकसभा में दिनभर जमकर कामकाज देखने को मिला। शून्यकाल में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मनरेगा में कम आवंटन का मुद्दा उठाया। रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में मनरेगा का आवंटित बजट भी खर्च नहीं हो पाता था, हमने सिर्फ कोविड के दौरान 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 अनुबंध किए। ये स्वदेश में डिजाइन विकसित और निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित करेगा। दिल्ली स्थित लाल किला परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश सेवा करने वाले राजनयिकों का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के साथ साथ हजारों विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। विद्यार्थियों का चयन करने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके लिए सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा में भरपूर उत्साह के साथ सम्मिलित होने की अपील की है। परीक्षा पे चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है, जिसमें प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उनकी परीक्षा से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का टेलीविजन चैनलों और डिजिटल मीडिया पर दिन में 11 बजे से सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लोग देख रहे हैं कि विश्व युद्ध की तरह माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपना चेहरा आईने में देखे, उसके बाद दूसरों को आईना दिखाए। महंगाई के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि सप्लाई चेन और युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजुमदार ने कहा कि बीरभूम में जब घटना घटी तब टीएमसी के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल का प्रयास रहा कि घटना को दबाया जाए। भाजपा के दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर विफल रही हैं। उन्होंने बीरभूम की घटना को लेकर एक बार भी माफी और दुख प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद मार्शलों ने बिहार विधानसभा से वाम विधायकों को निकाला। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ भूमि अधिसूचना के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर विशेष आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसको लेकर एक बैठक की। दिल्ली में ओडिशा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों ने आज संसद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ बात की। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सारे जिलों में अस्पताल में वृद्धावस्था में होने वाले दर्द और उपशामक देखभाल यूनिट का उद्घाटन किया। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. In Orient fans mein BLDC technology hai. Yani bijli ka bill almost aadha. Aur low voltage mein bhi badhiya performance. Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. Ma kab aayega? Abhi aayega. Are bolo na ma kab aayega? Bola na. Abhi aa jayega. Ye le. आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ,
स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, देर ना कीजिए। ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2021-22 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर यातायात सेवा को बंद कर दिया गया था। सड़क पर जमी बर्फ को आधुनिक मशीनों के जरिए हटाने का काम जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त हस्तांतरित की। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लगी। यह फैक्ट्री कूलर पैड बनाने का काम करती है। 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के ऊना के बाथू गांव में एक बस्ती की झुग्गियों में आग लग गई। इस हादसे में करीब 150 अधिक झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। कोरोना की रफ्तार देश भर में सुस्त होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 1225 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 1594 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 184 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी कोरोना संक्रमण मुक्त हो गया है। प्रदेश के चारों क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया है। शेयर बाजार में गुरुवार का दिन उतार चढ़ाव पूर्ण रहा। सेंसेक्स 115 अंक की गिरावट के साथ 58,568 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की गिरावट के साथ 17,464 अंक पर बंद हुआ। पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में बीएससी सेंसेक्स 9,059 अंक जबकि एनएससी निफ्टी 2,774.05 का अंक मजबूत हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की तेजी के साथ 75.74 रुपये प्रति डॉलर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातु की कीमतों में कमजोरी के रुख और रुपये के मूल्य में सुधार आने के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 117 रुपये की गिरावट के साथ 51,542 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत भी 693 रुपये की हानि के साथ 66,905 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 67,598 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। देश का विदेशी स्रोतों से लिया गया कर्ज दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 11.5 अरब डॉलर बढ़कर 614.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बृहस्पतिवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 10 दिनों में कुल 6.40 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। गेल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि अपने मजबूत बही खातों को देखते हुए वह अपने शेयरधारकों को इसका लाभ पहुंचाना चाहती है। इसीलिए 1,083 करोड़ रुपए में करीब 5.7 करोड़ शेयर की पुनर्खरीद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि कोविड 19 संकट के बावजूद भारत को बीते कुछ वर्षों में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और पूंजीगत प्रवाह के जोखिम को कम करने के लिए भारत में कुछ सुरक्षा उपाय हैं। निजी इक्विटी फर्म बेन कैपिटल ने कहा है कि वह आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड में 24.98% हिस्सेदारी में 3,679 करोड़ रुपए में खरीदेगी। वाहन विनिर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने कहा कि वह अपने परिचालनों के दौरान होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वह 2030 तक 46% की कमी लाएगी। टायर विनिर्माता कंपनी अपोलो टायर्स ने कहा कि उसने प्रतिस्पर्धा संबंधी कानूनों के अनुरूप काम किया और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में वह पूरा सहयोग कर रही है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कहा कि उसकी एसयूवी हिल्स
की कीमत 33.99 लाख रुपए से 36.8 लाख रुपए के बीच रखी गई। ये गाड़ी इस साल की शुरुआत में लॉन्च की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप इकाइयों के लिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब पेश किया है। कंपनी ने पहल की घोषणा करते हुए कहा कि यह मंच भारत में संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के सभी चरणों में समर्थन उपलब्ध कराएगा। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंक्रा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के वाहन कलपुर्जा उद्योग के 8-10% की दर से वृद्धि करने की उम्मीद है। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल और टेक महिंद्रा ने 5G निजी नेटवर्क और क्लाउड पर डिजिटल समाधानों का संयुक्त रूप से विकास और विपणन करने के लिए एक समझौता किया है। वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने करीब 4,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 338.3 करोड़ शेयर 3 प्रवर्तक समूह की इकाइयों यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज प्राइज मेटल्स और ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स को आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने फेरोस्क्रैप निगम लिमिटेड में सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है। रुचि पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 5 मई है। अवसंरचना क्षेत्र की कंपनी अशोक बिल्डकॉन ने कहा है कि उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग 150 CK के एक हिस्से में के हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत विकास के लिए आशय पत्र मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत दौरे पर हैं। भारत के लिए यह दौरा काफी अहम है। दिल्ली दौरे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन और रूस में बातचीत के दौर चल रहे हैं, लेकिन शांति और युद्ध विराम को लेकर कोई प्रगति नजर नहीं आ रही। दुनिया की निगाहें भारत की ओर लग गई है। बीते 48 घंटों के दौरान देश में जर्मनी से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका से लेकर रूस तक के प्रतिनिधियों का दौरा हो चुका है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री का भारत में स्वागत किया और कहा कि दोनों ही देश रोडमैप 2030 के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। और अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। लेट मी शो यू आवर लेटेस्ट इनोवेशन Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. In Orient fans में BLDC technology है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोलो ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। देश के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मेरा एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ जुड़ता है सबका न्याय। तो सबका साथ सबका विकास सबका न्याय। न्यायिक सशक्तिकरण की इस मुहिम को तेज करने के लिए ही न्याय विभाग भारत सरकार ने टेली लॉ स्कीम चलाई है। टेली लॉ न्याय विभाग द्वारा संचालित एक ऐसी योजना है जो एक्सेस टू जस्टिस यानी कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित कराने का बुनियादी कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत समाज के वंचित, शोषित एवं गरीब वर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। टेली लॉ समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लॉकडाउन के दौरान श्रीनगर के वसीम को मेडिकल जरूरतें उपलब्ध करवाना हो या महाराष्ट्र के गंगाराम को उनके अपने खेत तक पहुंचने का वैध रास्ता दिलवाना, झारखंड की तेजिया देवी का जमीन रजिस्ट्री सर्टिफिकेट में उनका नाम सही करवाना, सफलता की ये सच्ची कहानियां प्रेरणादायक हैं। टेली लॉ की यात्रा साल 2017 में 11 राज्यों के 1800 CSC सेंटर्स के माध्यम से शुरू हुई।
तब लाभार्थियों की संख्या 12,000 थी। साल 2021 में से बढ़ाकर देश के 633 जिलों में लागू किया गया, जिसमें 115 आकांक्षी जिले थे। इस तरह अब तक 50,000 CSC सेंटर्स की मदद से कानूनी सलाह सहायक केंद्र द्वारा लाभार्थियों की कुल संख्या 12 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। अक्टूबर 2021 तक टेली लॉ के तहत हर तरह के मामलों में मदद मिली है। इन मामलों में मुख्य रूप से पात्रता संबंधी केस, जमीन एवं संपत्ति विवाद, आपराधिक मामले, पारिवारिक विवाद, महिलाओं से संबंधित मामले, बाल श्रम, शिक्षा और पॉक्सो एक्ट से संबंधित केस और कोविड संबंधी मामले शामिल हैं। इन लाभार्थियों में महिलाओं के साथ साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। सफलता की यही रफ्तार रही तो साल 2026 तक लाभार्थियों की ये संख्या 90 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लगातार बढ़ रही इस जरूरत को देखते हुए न्याय विभाग टेली लॉ स्कीम को नागरिक मोबाइल ऐप के रूप में पेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंक्लूजन के सिद्धांत से नए भारत का निर्माण हो रहा है। टेली लॉ इसी डिजिटल इंक्लूजन के तहत नागरिकों के लिए प्री लिटिगेशन सलाह देने का एक सशक्त माध्यम है। सबका प्रयास सबको न्याय, ये हमारा मकसद है। आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने अधिकारों के लिए कानूनी सलाह टेली लॉ के माध्यम से हासिल करके आत्मनिर्भर और सशक्त बने। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. In Orient fans mein BLDC technology. Yani bijli ka bill almost aadha. Aur low voltage mein bhi badhiya performance. Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. Break ke baad aap sabhi ka swagat ek bar phir khabron par nazar tez raftaar se dalte hain. ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कहा कि भारत के साथ साइबर सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक मोर्चों पर संबंधों को और भी मजबूत किया जाएगा। उन्होंने दुनिया में स्थिरता की भी बात कही। संसद से 3 दिन की मोहलत मिलने के बाद इमरान ने अपना अंतिम दांव चलते हुए आवाम के बीच अपना पक्ष रखा। उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन पर फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा कि जब उन्होंने 25 साल पहले राजनीति शुरू की थी तब कहा था कि न वो किसी के सामने झुकूंगा, न अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। इमरान खान ने कहा कि 8 मार्च को एक विदेशी देश से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। रूस ने यूक्रेन के मैरियोपोल में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मैरियोपोल युद्ध के दलदल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन 45 बसें भेज रहा है। पिछले कई हफ्तों से रूस मैरियोपोल पर भीषण बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षित निकासी के वैश्विक समुदाय ने मानवीय गलियारे पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस बीच रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि वो मैरियोपोल से नागरिकों के सुरक्षित निकालने की अगुवाई करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सभी पक्ष इसके लिए सहमति हो। उधर यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि कीव और अन्य शहरों में अपने अभियान में कमी लाने के बाद महज कुछ घंटे बाद ही रूसी सेना ने इन शहरों के आसपास के इलाकों में बमबारी की है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूसी सेना पीछे नहीं हट रही बल्कि फिर से संगठित हो रही। नाटो महासचिव ने कहा कि रूस डोनबास क्षेत्र में अपने आक्रमण को फिर से संगठित करने के फिर से आपूर्ति करने और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन उनसे कहा कि यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए अभी स्थिति अनुकूल नहीं है। इस बीच यूक्रेन ने पूरी शहर टोस्टोनेट्स पर फिर से कब्जा करने का दावा किया। शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। 26 मार्च रूसी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया था। रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई है। तो एक्सेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।